हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सन्ट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेन में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? करेक्ट आंसर होगा 11 मार्च 2024 से। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा निखिल वाघ को। किन्हें? निखिल वाघ को। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो पाल लिंच को किया गया। किन्हें? पाल लिंच को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लाडिया गोल्डेन को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉन फ्रांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया। क्वेश्चन है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। कौन? सदानंद वसंत। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, इसका आयोजन इसका 23 फरवरी से 17 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। विजेता की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा। कप्तान इसकी स्मृति मानधाना थी। उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहा, जिस टीम के कप्तान दोस्तों मेक लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था, उसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर VR कंबोज को किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को यानी जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने, सबको हमारे द्वारा टोटल 25 PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, और ये PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? दोस्तों ध्यान देंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। तो 32वां सदस्य देश बना है दोस्तों नाटो का, वो स्वीडन है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नाटो का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें टोटल सदस्य देश दोस्तों 32 हो चुके हैं। बिल्कुल अपडेटेड नया देश इसमें जो जुड़ा है वो स्वीडन है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके दोस्तों वर्तमान महासचिव जयंस स्टोल 10 वर्ग हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल वाइसा एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो पाठ्यक्रम है हमने पूरी तरह से आपको बता दिया है। आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिससेलेनियस यानी विविध का आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को 25 पीडीएफ में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे और रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया जा चुका है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारा कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 दोस्तों आप लोग जानते हैं एग्जाम आपका हो ही चुका है, लेकिन ट्रेंड और लेवल आप समझते हैं, यानी एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें दोस्तों ये हमारा पीडीएफ पूरी तरह से सक्सेसफुल जा रहा है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके दोस्तों ले रहे हैं पीडीएफ को आप अच्छे से रिवाइज करें। इसको इतना दमखम बनाने में लगा दिया गया दोस्तों कि कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर का भाग 4 में। पॉलिटी से क्वेश्चन आप जानते हैं, आपका ट्रेंडिंग बर्गरीन, आप सुपर टॉपिक कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके डीपीएसपी से बनते हैं, तो यहाँ पे सीट लगी हुई है, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक के से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? करेक्ट आंसर भाग 4 में। आप चलिए इस सीट को कवर करते हैं ए टू जेड। आप ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यही इतना कॉन्सेप्ट दोस्तों हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे, वो हर फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अब वो सारे आर्टिकल आपको कवर कीजिए जहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आर्टिकल 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान है दोस्तों? तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दोनों तरफ से किसी भी ट्रेंड से पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली पूछा जाए अनुच्छेद 44 का संबंध किससे, यानी कि कभी कभी आपके दोस्तों क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। जैसे डायरेक्टली पूछा जाए अनुच्छेद 40 का संबंध किससे, और कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यानी कि पूछ लिया जाए ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाएँ। तो दोनों तरफ से आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को पूरी तरह से क्लियर रखेंगे, इसीलिए मैं रिविजन व पीडीएफ के बारे में आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट में भी चल रहा है ये दोस्तों, आप लोग जानते हैं। इसमें प्रावधान किया गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 का क्या की बात की जाए तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान है, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। एक नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, हजारों बार पूछा गया है। सुगंधित तेलों में, दही में कौन सा, खट्टे फलों में, तो जितने भी हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर है। इसको आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे तो ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल है। अब एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है, दूसरी तरफ उपस्थित अम्ल है। सबसे पहले फलों के रस, सुगंधित तेलों में और सिरका में, तीनों में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चीटी का डंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें फार्मिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल है। ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह से दोस्तों आप कोई ट्रिक लगा के या दोस्तों आप बार बार रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके। इमली तथा अंगूर में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? तो टाइट्रिक अम्ल है। सेब में दोस्तों मैलिक अम्ल है, और सरेल के वृक्ष में दोस्तों आक्सैलिक अम्ल है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चल पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी हो गया है। एसएससी सीपीओ कला दोस्तों एसएससी वाले एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे तो कनिष्क के। किसके दरबार में, कनिष्क के। ये भी आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, हिस्ट्री से आ चुका है। महात्मा दोस्तों कवि या विद्वान है किनके संरक्षण में रहते थे या किनके दरबार में रहते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता आप लोग जानते हैं। तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा एक तरफ कवि और विद्वान के नाम देंगे, दूसरी तरफ संरक्षक और शासक के नाम देंगे। सबसे पहले हरिषेण है दोस्तों जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कौटिल्य या चाणक्य, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, आप लोग पढ़े होंगे। नंद वंश के शासक थे घनानंद जिनको परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी इन्हीं की सहायता से। अब अश्वघोष देखेंगे, नागार्जुन और चरक, ये तीनों के तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के और कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने। सुपर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। महाबलेश्वर मंदिर, हजारों सांची का स्तूप, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण दोस्तों गुप्तोत्तर काल के मंदिर हैं या निर्माण दोस्तों इमारतें हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं इस पीडीएफ में यानी कि इस सीट में पूरी तरह से कवर है। इसको आप लोग रिवाइज रखेंगे तो यह टॉपिक आपका दोस्तों पूरी तरह से क्लियर रहेगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोज़ के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब एक तरफ महत्वपूर्ण मंदिरों को नाम है, दूसरी तरफ दोस्तों निर्माणकर्ता के नाम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इनके निर्माणकर्ता अनंत वर्मन चोडगंग थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कंदारिया महादेव का मंदिर दोस्तों इसका निर्माण धंगदेव चंदेल ने करवाया था। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, एग्जैक्ट लोकेशन भी रख दिया गया है, कृष्ण प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटो ने करवाया था। तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में पड़ता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कैलाश मंदिर जो कांची में, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, राजराज प्रथम ने करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर जो कि कांची में, नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। और महाबलीपुर के एकास्मक रथ का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से है। कहाँ से आ गए, मिसलेनियस के चैप्टर से आओ दोस्तों, हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनते हैं। खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सबकी सीटें आपकी पीडीएफ में लगी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आप चाहे इसको प्रैक्टिस सेट मार्कर भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन वाइज सही जा सकते हैं। अगर स्टैटिक जीके के हमारे सारे टॉपिक्स उठा ले जाएँ एक साथ, चाहे दोस्तों पॉलिटी का टॉपिक हो, हिस्ट्री का टॉपिक्स हो, इकोनॉमिक्स का हो, या फिर दोस्तों ज्योग्राफी का हो, या हमारे सारे मिसलेनियस या फिर जनरल साइंस के, इनके जो मोस्ट नॉन क्वेश्चन निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्या है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है तो सल्फर है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी हो तो फीमर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन से कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी है। अगला, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है तो तना है। और दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है तो रक्तचाप बढ़ जाता है। सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। और संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था तो हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़िएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन ने। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया था वो अवतल दर्पण है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप रिवाइज रखेंगे कैसे भी करके। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वुलर झील है। लोकेशन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांभर झील है। और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? नृसिन्हा रेड्डी नल्लू हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र तो सीस्मोग्राफ है। संतोष ट्रॉफी जो हमारा क्वेश्चन था किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। आगे बढ़िएगा। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? उत्तर प्रदेश का। सारी चीज़ें ये सारे क्वेश्चंस के सेट ही आपके पीडीएफ में लगा दिए गए हैं। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? राजस्थान का। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, बराबर आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब ध्यान देंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या शक्तियाँ, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियाँ, और संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, इसको भंग करने का अधिकार या शक्तियाँ, ये तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। पूरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। नेक्स्ट, लावड़ी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो महाराष्ट्र का। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया था? करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर को। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? तो रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। तो ये थे दोस्तों हमारे सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।